ब्रेक के बाद बढ़ते हैं आगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया की मुलाकात हुई है। लखनऊ में सीएम आवास पर दोनों की मीटिंग हुई और इस दौरान सीएम योगी और मनसुख मंडाविया के बीच स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े हुए मुद्दों पर चर्चा हुई। आयुष्मान भारत योजना, एनएचएम और पीएम एबीएचआईएम के तहत हेल्थ इंफ्रा प्रोजेक्ट्स की प्रगति के साथ साथ मेडिकल कॉलेज संबंधी अनुदान और नए नर्सिंग कॉलेज खोलने को लेकर समीक्षा बैठक हुई। जो हमारा संचारी रोग नियंत्रण का कार्यक्रम चलता है, इसमें 15 दिन के कार्यक्रम दस्तक अभियान के साथ जुड़ते हैं, जिसमें आशा और एएनएम घर घर जाकर के स्क्रीनिंग करने का कार्य करती है। इंसेफ्लाइटिस को नियंत्रित करने में स्वच्छ भारत मिशन के साथ साथ हम लोगों ने जब सर्विलांस को अपना तेज किया तो परिणाम हम सबके सामने है कि 40 वर्ष में 50,000 बच्चों को निकलने वाली यह बीमारी, जापानी इंसेफ्लाइटिस का हो या एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम का, हम लगभग 96% इसको नियंत्रित कर चुके हैं। आज कारगिल दिवस है। लखनऊ के कारगिल स्मृति वाटिका पहुंचकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। कारगिल दिवस के मौके पर सीएम योगी ने कहा कि भारत में आतंक और नक्सलवाद के लिए कोई जगह नहीं है। सीमा सुरक्षा के मामले में भारत पहले से ज्यादा मजबूत हुआ है। शहीदों के परिवारों का आज सम्मान हो रहा है। जवान अगर देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए या आंतरिक सुरक्षा में शहीद होता है तो राज्य सरकार भी अपने स्तर पर उस बलिदान हुए जवान के परिवारों को 50 लाख रुपए, परिवार के एक सदस्य को उत्तर प्रदेश शासन में सेवा का अवसर देने और उनके नाम पर कोई संस्था, कोई मार्ग का नामकरण करने की एक व्यवस्था भी पिछले 6 वर्षों से हम लोगों ने प्रदेश में लागू की है। और सहारनपुर में यमुना नदी में पैर फिसलने से डूबे बिजली विभाग के अपर अभियंता का शव अब बरामद कर लिया गया है। शव हरियाणा यमुनानगर के कबारी गांव के पास यमुना नदी में मिला है। बिजली की लाइन चेक करने गए अपर अभियंता प्रमोद कुमार 19 जुलाई को पैर फिसलने से नदी में बह गए थे। एनडीआरएफ समेत कई टीमें उनकी तलाश कर रही थी। सूचना मिली है, ये हरियाणा यमुनानगर जिले के कबारी गांव, वहां पे बॉडी मिली है। चिलकाना के जो थाना प्रभारी हैं और बाकी अन्य थाना प्रभारी वहाँ पर मौके पहुँच गए हैं सहारनपुर के, और उनके परिजनों को सूचना दे दी है। परिजन भी मौके पर आ गए हैं। शिनाख्त की कार्रवाई चल रही है। आगे जो भी सूचना मिलेगी और जो भी आगे विधिक कार्रवाई होगी इससे आपको अवगत करा दिया जाएगा। और यहाँ वक्त हो गया एक ब्रेक का। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। ये है न्यूज 18 नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।